आ गई पिछे वाली बस जी, हो जाऊगी सिगरिया रावनस पैलेस। ए टेढ़ा हो गया ना ए करके, क्योंकि बई ए तो सिर वो इधर से इधर से बिच वजदे हो गए। सो मनिया जाता कि जो रावण माता सीता किडनैप करके सब तो पहला लैके आया सीगा, तो उन्होंने इतने लैके आया सीगा। जे बने हुए ने इन बारे कि कुछ लिखा तो होया नहीं, शायद बई रावण दे होण या उदा ही डिजाइन बनाया हो। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। मैं हाँ इस टाइम कैंडी, श्रीलंका की राजधानी तो 2-3 घंटे दूरी का सफर है। अज इतों जा रहे हैं रावण के महल वल, सोने के महल वल जा रहे हैं। पर रावण के जिहड़ा कि इतों कोई बहुता दूर नहीं है, पर हाँ वो एक बस लैनी पेगी। बस छड़ूगी मैनू दांबूला और कैंडी तो दांबूला, और दांबूला तो फिर अगे एक जगह का नाम है सिगरिया, उत्थे जाना पैना। ये होम स्टे सीगा बई, इधर जाके एक मेन रोड आ, बिल्कुल नारियल दे दरख्त ने कुछ होर। ये जिहड़ा साडा बाई आ उहदा ही ऑटो आ, टुक टुक कहिंदे इत्थे ऑटो नूं ना। या रिसैप्शन ते कोई है नहीं गा, उहदी वेट कर रहा मैं रिसैप्शन ते कदों आऊगा, फिर पैसे पे करने आ ते फिर चलांगे। ठीक है भी, बिल 1150 दा ब्रेकफास्ट सीगा, 100 रुपए दा मतलब रात मैं ऑटो वाले नूं देण लई लए सी, क्योंकि 5000 दा नोट खुल्ला नहीं सीगा। लाता भाई ने आ बस है, इतने होर बसा भी जाती है, इधर खड़ी है, एक पिछे खड़ी है, वह नॉन एसी बस है। मैं दिखा के आना मैं, वह नॉन एसी है पर आ एसी है, मैं एसी से चलते हैं। वह जी पिछे खड़ी है वह नॉन एसी बस है। यदा किराया भाई 1000 रुपया दो जन का, मतलब 501 जने का, वह घट होगा 200-300 होगा शायद। चलो सीट तो भाई कहना है, 2 घंटे लाऊगी, 11:30 तुरूगी। चले पे आ 10 मिनट चलने च, मैं पहला पानी ले आईए, उतो शायद मिल जूगा पानी पुनी। आ ट्रेन की लाइन है यार, अच्छा ट्रेन भी इतों ही जाती है, आ सही सिस्टम है भाई। चलो पानी ले आवा मैं पहला, क्योंकि बाद तो उत्थे जाके कुछ खादा जाऊगा यार, सवेरे सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और कुछ नहीं। बाइक खत्म ही होगी, स्वीट सीगा बाकी तो सारा कुछ। आ भाई कहिंदा वेज आ पर इहदे विच एग आ, मेरे लिए तो एग मतलब मैं नहीं खाता। आ वेज आ पर यार कल मैनू वधिया नहीं लगी सी, एक पानी की बोतल ले ली, एक और ले लिया। ओके थैंक यू, समान ले लिया। इहदे नाल दांबूला तक पहुँच जाएंगे, उस तो अगे फिर देखांगे उत्थे जाके। इत्थे कहिंदा नेड़े एक इंडियन रेस्टोरेंट सीगा फुली वैजीटेरियन, पर यार वही मैं क्या लेट हो जाएंगे, फिर आप रावण का महल देखना जी मेन चीज है, ता करके मैं थोड़ा छेती सा। आई बस है ना, आई है 42 या 43 नंबर बस जाती है बी। जो पिछली वीडियो तुसी फेस्टिवल देखे होने ना, वो आई फेस्टिवल सी। आ देखो इन्हें दे 1000 दे नोट दे उत्ते उहदी फोटो भी बनी हुई है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। असीम इदा ही आ इदा दा कॉस्ट्यूम पा के ढोल बजा रहा सीगा, ते इदा डांस कर रहे सीगे। दांबूला ला गया भाई, ओ पिछे सी बस ओ चल गई, इत्थे आऊगी सिगरिया दी बस। इत्थे भाई आटो वाला आ गया, ओ कहिंदा भाई बस जांदी नहीं, इदां कहिण लग गया, फिर कहिंदा घंटे बाद आऊगी। फिर इत्थे एक भाई खड़ा सी, उहनूं पुछिया, ओ कहिंदा यार इत्थे ही रुक जाओ, 5-7 मिनट च बस आउण वाली आ। आउंदी वैसे घंटे बाद आ, कोई 40 मिनट बाद, पर हुण बस 5-7 मिनट च आउण वाली आ, शायद आही ना होवे। इदां दीआं बसां अशोक लीलैंड दीआं, पर इहनां ते लंका अशोक लीलैंड लिखिआ हुंदा भाई। आ गई पिछे वाली बस है जी, हो जाऊगी सिगरिया, आ जाऊगी। इतों है तो 12-13 किलोमीटर ही है सारा, बैग उत्थे रखा लिया बई। आ लक्ष्मी माता की फोटो ला के रख दे बी, बहुत सारिया बसा च लगी होंगी है। सो बई मैं थोनू पहला भी बहुत बार दस्या होना, जिंदगी दे विच कदे भी किसी देश जाओ लोकल बंदे की सलाह ना लियो। हुण तुसीं कहोगे कि बई ये की मतलब बकवास है, एक तरह की लगू, ज्यादातर लोग कहणगे भी लोकल की सलाह लो। मैं आपके एक्सपीरियंस नाल दस रहा, गूगल ते विश्वास करो, यकीन मनो गूगल थोनू 100 चो 1 बार धोखा देगा,
99 बार ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ 70% ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉੱਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 800 ਮੀਟਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, 800 ਮੀਟਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਉਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ 2.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹੂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫਸੋਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਤਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਰੀਆ ਆ ਗਿਆ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾ ਤਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਆ, ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕਰੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਬਈ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਰੀ ਜੀ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਡਰਾਈ ਫਿਸ਼ ਨੋ ਫਿਸ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਈਟ ਫਿਸ਼ No fish? No. Okay. This and dal. And what is this? This is a special use, you know. Oh, okay, I understand. Okay, no problem. You can give me only dal and chawal. Dal and rice, no problem. This is jackfruit? No. Not meat? No. Okay. Dal and rice only, okay? And you have also milk tea? ਡਰਾਈ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿ ਨੀ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਲ ਤੇ ਚੌਲ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਦੇਖਿਓ ਗੋਹਾ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਥੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਗਾੜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇਸੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਕੁੱਜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਨ ਬਣਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੈਲਕਮ, ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੌਲ ਅਤੇ 2-3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੈ ਘੜੀ ਦਾ ਬਾਹਲੀ ਸਿਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਹ ਦੇ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖਿਓ ਆਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਏ 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 ਬਾਏ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਕੈਨ ਆਈ ਸੀ ਮੈਨਿਊ? ਯੂ ਹੈਵ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕਸ ਰਾਈਟ? ਯੈਸ। ਆਹ ਬਾਈ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਓਕੇ, ਪਿਕਮੀ 250 ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 200 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੜਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਈ 100-100 ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 300 ਉਹ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਇੱਥੇ 3-4 ਆ ਗਏ ਆਟੋ, ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ 200 ਮੰਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਆ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਵੀ, ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਂਬੂ ਹਾਊਸ,
सारे बैंबू ही बैंबू वहां से वहां चला रखे ता ना रखे होना मैं ग्रीन बैंबू हाउस भाई नाल गल कर रहे थे इतने जिन्हें भी बई घर ने ना सारे को आपका ऑटो जरूर हैगा टुक टुक बई कहना मैं छड़ दूंगा कहना तेन कहना 1500 लाऊंगा उत्थे वेट करूंगा 1500 कहना 400 रुपए मैं कहा भाई तू मैं कला छड ही दे ते या फिर मैं पिक भी कर लेना क्योंकि यार इदा वेट करने विच ना कितना कितना इदा हो जाता यार छेती जाना वापस छेती जाना सो आप आराम नाल जावांगे ते आराम नाल वापस आवांगे ते फिर आप उत्थे कुछ देखना भी अभी अक्सर रावण का महल है रावण का सोने का महल है इदा कह सकते हैं आप कुछ देखना तो बनता हूँ पता नहीं उत्थे असली सोना है या नहीं है बट हाँ यही जगह है जिहड़ी मेन सिगरी है जिन्हों रावण का सोने का महल कहा जाता सी और अज भी इत्थे मौजूद आ We can go to the Ravana's Palace. Okay. Yeah. Is it safe? Someone says wild animals here. Yeah. Come before getting dark. Before getting dark. And what time is the sunset today? Sunset 6:30. 6:30. Okay, 6:37. Yeah. Yeah, we can come by tuk-tuk. Yeah. Okay. Bye bye. ये साढ़े जेड़े owner आए थे उन्हें इन्हें तो यही कार है तो इन्हें कोई भी tuk-tuk हैगा पर बई कहिंदा यार मैं उदा कला छड्डन नहीं जाऊंगा कहिंदा जाऊंगा थोनू लेके आऊंगा इधर देखो किवें शिकारी खड़े आ इदां दे शिकारी जिहड़े हुंदे ना बई जिहड़े भौंकदे नहीं हुंदे लाते ही फड़दे हुंदे आ बुद्ध दी मूर्ति लगी हुई आ क्योंकि श्रीलंका दे विच मेजोरिटी जिहड़ी पॉपुलेशन आ बई ओह बुद्ध धर्म दी आ इहदा 700 मीटर भी नहीं गा ओह तां मैं गूगल ते होर ही रस्ता दिखा रहा सी ओह इत्थों दी ऐ जाके 700 मीटर इहदा 300-400 मीटर ही आ इतों टुक टुक फड़ांगे यार है इतों 2 किलोमीटर आ हम 2 किलोमीटर का केड़ा ही तुरूगा इतों टुक टुक फड़ के जाएंगे हैलो रावण बारे ना यार बहुत सारिया मिथ्स ने इंडिया दे विच भी ने इत्थे भी श्रीलंका दे विच भी ने है ना वो सारिया उत्थे चल के आप डिस्कस करांगे थोड़े नाल भी किद्दां की है किवें है और बहुत लोगों दे विच ये भी मिथ है कि भाई श्रीलंका तो सारे लोग रावण नूं मानते हैं सो ये सारिया गल्लां उत्थे चल के डिस्कस करूंगा ना थोड़ा ज़्यादा मज़ा आऊगा रिलेट आप ज़्यादा कर पावांगे उस चीज़ नूं एक चीज़ जरूर सुझा दिओ अज मैं रोड का माइक लाया और हालांकि मेरे को पहला था मैं पहला भी कई वीडियो कजाकिस्तान वालियाँ पहलियाँ 2-3-4 वीडियो देख लियो उन्होंने मैं यूज़ किया अज फिर मैं वो माइक यूज़ कर रहा तो मैंने दस्यो क्योंकि इस तो उत्ते तो यार हुण कोई माइक नहीं है आवाज़ किद्दां आउंदी है एक ना मेरी आवाज़ दे विच बेस थोड़ी जी ज़्यादा उहदे करके ना कई जिहड़े फोनां दे विच बेस वाला सिस्टम हुंदा आईफोन वगैरह या होर फोनां च तां सही आउंदी है टीवी च भी कईआं दे सही आउंदी है कईआं दे विच ज़्यादा ही है ना घट लगदी हुंदी है बेस वाली आवाज़ ना जिहड़ी तिखी आवाज़ हमेशा माइक ज़्यादा कैच करदे आ सो तिखी आवाज़ लई तां माइक की लोड़ ही नहीं पैंदी आईफोन ही वैसे कैच कर लैंदा सो माड़ा जिहा सुझा दिओ कि अज आवाज़ किद्दां दी आ रही है जेकर वधिया आ रही आ तां फिर कंटिन्यू करांगे आपां इस माइक नूं लाया करांगे रावनस पैलेस रावनस रो या यस लायन रॉक या ओके हाउ मच 300 रुपीज़ 200 ओके 300 रुपीस अभी 200 हियर नो प्रॉब्लम या या इट्स नॉर्मली 300 आई ड्रॉप ओके ओके चलो भाई 300 च बाई नाल गल निपट गई सो बाई कह रहा भाई तुसी बिल्कुल सही टाइम चले हो कहना इस टाइम कहना तुसी उत्थे सनसैट देख लोगे और सनराइज ते सनसैट इत्थों लोग जा देखते हैं सो आप सनसैट देखांगे ते एक कल सवेरे सनराइज देखांगे वो दूजा इत्थे एक रॉक है उत्थे देखांगे सारा देख सकते हो भाई जंगल ही जंगल आए सारा तो इतने ही ने सारे जंगली जानवर ता करके मतलब आफ्टर डार्क इतने सेफ नहीं दसा जाता सानू कई बंद ने कहता इदा नहीं कि एक जने ने कहता तो इदा मैं रिव्यू वगैरह भी पढ़े सके इतने ला गया भाई तो म्यूजियम आए बनया हुआ ये अंदरों टिकट मिलेगी टिकट ले लीए पहला कहता छेती आ इंडिया लिए टिकट आना जी अद्धी आ मतलब जिम्मे आप आंढ़िया गुआढ़िया नहीं रखी होंगी ओके ओके सो बई 9900 दी टिकट आई हैं दो मतलब $30 दी हो गई इंडियंस लई प्राइस आ फॉरनर्स लई शायद 9900 एक टिकट का प्राइस आ बड़ी सी वीडियो ओके ओके थैंक यू वीडियो को तारे नो आन रे करे सवाल ले ली भी आप टिकट इतो ओके ओके नो प्रॉब्लम एक चीज मैं थोनू होर दसदा जिन्ने भी यूरोपियन वगैरह आंदे हो ना मैं इस बंदे नू ना पैसे दे रहा सीगा मैं 500 ले ला भाई नहीं नहीं भाई मैं तो इन्ने लाऊंगा तू जा नहीं पाउंदा वो ये फिर असि कल चले जांदे यार होर की सीगा भाई पक्की गल है कोई यूरोपियन होंदा ना अमेरिकन इहनू 100 रुपया तक भी ना दिंदा मैं 500 देता फिर लै लिया इदा औखा जा होके मैं कह भी दिता मैं कहा भाई तेनू भी पता तेनू यूरोपियन ने किसी ने कुछ नहीं देना सीगा ये सच्ची गल आ भाई मैं आपके एक्सपीरियंस नाल दस रहा यूरोपियन मंग भला लैन थोड़े तो अफ्रीका दे विच कई बार मैं यूरोपियन नू पैसे दिते आ इन्ने क नंगे हो जांदे आ बेचारे दारू दुरू पी के सारे पैसे उड़ा लेंदे आपके टिप टुप बिल्कुल नहीं दिंदे बहुत ही अमीर बंदे होंदे ना वो दिंदे आ अपने इंडियंस बहुत ज़्यादा टिप दिंदे आ भाई
जी मैं देखिए, इवन पाकिस्तानी भी बहुत टिप दे देंगे। चलो ये आ गई भी एंट्रेंस। इज दिस एंट्रेंस? हेलो, या ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भाई ये हो गई अपनी एंट्री। सो जेकर तुसी इंडिया या बांग्लादेश तो नहीं है तो भाई थोनू देने पैणगे 10,000 एक टिकट दे, ते नहीं तो थोनू देने पैणगे 5,000 एक टिकट दे। तो हुण आपां एंट्री करन लगे हैं, तो थोड़ा तुर के जाना, वो सामने वो दिख भी रहा होना रावण की सोने की लंका या रावण का महल। ये बारे बहुत सारिया मिथ्स आ, किसी का कुछ मनना किसी का कुछ मनना। आ देखो ये सारा देख के थोनू आइडिया हो रहा होगा कि ये पुराने टाइप का, इतने जिदा पुराने घर होणगे या कुछ होगा, है ना। ये देख के थोनू आइडिया हो रहा होगा। ये सब मैं तुम्हें तां दस रहा कि बहुत सारे लोगों का मनना कि नहीं बई इतने राजा कश्यप रहिंदा सीगा, बहुत सारे का मनना कि नहीं बई रावण रहिंदा सीगा। कई ने कहा कि हाँ बई ये रावण ही इतने रहिंदा सीगा, लेकिन बाद दे विच कश्यप इतने रहिंदा सीगा, ठीक है। और कई ने कहा कि यार बनवाया ही आप रावण ने सीगा, कोई कहिंदा नहीं बई ये रावण के जिहड़े पिता सीगे उन्होंने बनवाया सीगा। तो सामने दिखन लग गया और आपां वो बिल्कुल टॉप ते जाना। पानी पुनी आपदा नाल लै लिओ बई, 1.5-2 घंटे थोनू लग जाएंगे जान ते आउण दे उत्ते, टोटल मतलब 40-45 मिनट का लगनगे जिस हिसाब नाल जिन्ना उच्चा मैनू लग रहा। सो मन्या जांदा कि जदों रावण माता सीता नू किडनैप करके सब तो पहला लैके आया सीगा तो उन्हां नू इत्थे लैके आया सीगा, फिर माता सीता ने डिनाई करता सी इत्थे रहना, ते फिर उस तो बाद कहिंदे उन्हूं अशोक वाटिका जिहड़ी उत्थे रख्या गया सी। वह अगली किसी वीडियो दे विच तुहानू देखण नू मिलेगा। सो इदां दीआं इदां मन्या जांदा, कोई कुछ मानता कोई कुछ मानता। और बहुत सारा तुम्हें सुनया होना बहुत सारे लोगों के मूँहों कि बई जे श्रीलंका के लोग ने रावण को मानते हैं। जी हाँ मानते हैं, पर सारे नहीं। जोड़े हिंदू ने, एक अलग तरह के हिंदू ने, जोड़े भारत के हिंदू ने वो राम को मानते हैं, जोड़े इतों के हिंदू ने लगभग उन्होंने रावण को मानते हैं। वो राम की पूजा नहीं करते बई, वो रावण की पूजा करते हैं। और होर देवी देवत्या जिमें हनुमान तो लक्ष्मण छड़ के होर बाकी सारे देवी देवत्या की वह पूजा करते हैं। सो सिर्फ राम ते रामनाले दे विच उन्हां दे विच आले डिफरेंस आ। जे आपां नूं उदां दा कोई पिंड मिलेगा तो आप उस पिंड भी जाण दी कोशिश करांगे। सामने देख रहे बई आपां नूं रावण दी सोने दी लंका या रावण दा महल कह लो, ये देख रहे आपां नूं। चलदे आ हुण उत्ते, काफ़ी तुरना पैना, हाले तो नॉर्मल नॉर्मल तुरे जा रहे आपां। ये पता नहीं कि अच्छा ये बनाया भी, ये कंध दे उत्ते नहीं तुरना, सारा बई चारे पासों जंगल दे नाल घिरिया होया। और ये बनया बिल्कुल एक चट्टान दा बनया होया, मन्या जांदा भी जिहड़ी ये चट्टान सीगी बिल्कुल सोने की चट्टान सीगी। पता नहीं हुण इहदे विच की है की नहीं, इहदे बारे कुछ नहीं पता, क्योंकि यार ना इहदी हिस्टरी ज़्यादातर मिथोलॉजी ते आ। तुसीं ना कुछ सर्च करोगे रावण दे बारे कि रावण दा प्यो कौन सीगा, तां गूगल ते भी ना ये लिखा आ जूगा अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी। सो हुण ये अलग अलग इहदियां मिथ्स बनियां होईयां ने भी की आ की नहीं आ, पर हाँ जो हिस्टरी आपां नूं पता आपां उहदे अकॉर्डिंग गलबात करांगे। बाकी जे कोई उत्थे कोई इधर उधर दा बंदा मिलेगा तो उहदे नाल गलबात करांगे, इत्थों दा लोकल कोई होगा तो, नहीं तो वो सारिया चीज़ा जानने लई आपां नूं इत्थों दे इक लोकल पिंड जाना पऊगा। मेन क्लाइंबिंग जिहड़ी आ इत्थों शुरू हुंदी आ, पिछों तां जिहड़ा तुर के आए आपां 5-7 मिनट वो तो नॉर्मल सीगा। दो चट्टानां आईआं इहदे विच दी एंट्री करांगे आपां, गां अग्गे वालियां बहुत भीड़ियां। सो रावण इत्थों दी एंट्री करदा होणा बई 5,000 साल पहलां। रावण नूं 5,000 साल होए आ, 6 होए आ, ये बारे भी कुछ पता नहीं है, बस हाँ अप्रोक्सीमेटली 5,000 साल कहा जाता। आ एंट्री किन्नी भीड़ी है यार, आ चट्टान दोनों मतलब लगिया खड़िया एक दूजे के नाल, तो इतें ही है कंस्ट्रक्शन इट्टा उट्टा पुरानी लाइया हुई ने। पर मैंने एक चीज़ समझ नहीं आई, रावण इतों ही लंघता किवें होगा? रावण के 10 सिर से व्डा ही बहुत सी, कहें औखा ही लंघता होना पतंदर, या टेढ़ा होकर लंघता होना है, ए टेढ़ा होकर लंघना होना ए करके, क्योंकि बई ए तो सिर वे इधर से इधर से बिच वजदे हो गए। खैर मजाक कर रहा, मनिया जाता है कि रावण दे कोले 10 सिर जिनी मतलब शक्ति सी, ते रावण ने भगवान शिव जी की बहुत ज़्यादा भगती की सी, सब तो वड्डा भगत मनिया गया। रावण की इको गलती सी कि उन्हें माता सीता नू किडनैप किया सी, इस तो अलावा रावण ने कोई गलती नहीं की सी। सो सब तो वड्डा शिव जी का भगत भी रावण नू मनिया जाता है। बहुत उत्ते चढ़ना बई, हले घूम घूम के हाफ च भी नहीं आए हले, मतलब इतों तो रावण की भी तसली हो जाती होनी है चढ़ते चढ़ते दी, पक्की गल आ जे टॉप ते रावण जाता होना तो। हवा बहुत तेज़ हो गई इतों ही, उत्ते तो बहुत तेज़ होगी, बहुत तसली वाला काम है। वैसे तो इन्होंने ग्रिल ग्रुल लाई हुई है वधिया स्टील ही बना के। हेलो हाउ आर यू? फाइन।
चल चल नहीं समरीत कौरे भजी चल हाले भाई हाफ दे भी हाफ चाहे हैं। देखो कितना प्यारा सूरज दिख रहा है, हाले सनसेट तो होया नहीं है, घंटे बाद होगा। व्यू देखो कितना प्यारा दिख रहा है, और देखो लग रहा थोनों कि ये पिंड ने, उस पिंड तो मैं आया ये नेड़े तेरे विच पिंड ने। वो देखो उत्थे धुआं दिख रहा, उत्थे धुआं दिख रहा, सारा जंगल ही है भाई, ये जंगल दे विच ही पिंड ने बस। ताजा होर उत्ते आके इदा ग्रिल लाई हुई है इन्होंने, इत्थे खड़ के तुसीं फोटो खिंच। हैलो सो आपदियां फोटो वगैरह इत्थे खिंच सकदे हो तुसीं। देखो यार है तो मतलब कि टुट टट गया सीधा थले ही है, कम बचन का कोई अद्धा परसेंट भी चांस है नहीं गा। शायद लोग थले इधर दी जाते हैं, वो देखो थले जा रहे हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, जे माइक विच दी हले भी नॉइस कैंसलेशन ना हो रही हुई तो माफ़ी दियो, करनी तो चाहिए है वैसे कैंसलेशन, पर हवा बहुत तेज़ है भाई। लगता मैनू भी हुण आपां हाफ च आ गए हैं, ये शायद इहदा हाफ है भाई। आ देखो आ बने हुए इत्थे पंजे बने हुए, मतलब नौ बने हुए ऐ कह लो, इत्थे बने हुए आ परले पासे भी बने हुए। ये मैं फोटो देखी सी ऑलरेडी तो मैनू पता है। सो इत्थे आपां आ गए भाई विचाले, हाले जिन्ना आ गए हैं उन्ना ही तां चढ़ना। देखो वो टॉप ते जाना आपां, इत्थे भी पंजे बने हुए आ, बहुत टूरिस्ट आउंदे यार, लोकल भी श्रीलंका दे काफ़ी आ, फॉरनर्स तो चलो हैगे आ जिहड़े हैगे ही आ। दुनिया इन्नी छोटी है वैसे तो तुसीं सुणिया होना, पर सच्ची छोटी है। आ देख लो पंजाब दे नौजवान इत्थे इकट्ठे हो गए, बाई उत्थों तुरे आवे। मैं क्या यार बई नूं मैं देखिया सी वैसे श्रीलंका दी वीडियो जो बई ने पाईआं मेरे सामने रैकमेंड भी होईआं सीगीआं, उससे सेम फ्लाइट च मैं आया। पर तुसीं किन्नी तरीक नूं आए हो? असीं 18 नूं 18 नूं आए। मैं तां मैनूं तां इहनूं हले 2-3 दिन होए आ। ते बई दा नाम जिहदा है तां सिख ट्रैवलर आ, नाम की? नाम मेरा हरसिमरनजीत। हरसिमरन आ, तुहाडा की भाई? मेरा सुखप्रीत दा नाम, उहदा यूट्यूब राहगीर आ। ठीक आ, अज मैनूं सवेरे शायद 1-2 कमेंट भी आए हुए सी। ठीक है ठीक है, मतलब थोड़े ही नाम दे आए, चाहण वाले थोड़े भी इकट्ठी आ गए, तकड़े आ इकट्ठे ही। बई हरी उत्ते जाए, मैं हले उत्ते रावण दी लंका देखिया, किवें लगी बई रावण दी लंका? वधिया बरे, वधिया कैंटा कम हो गया। चलो जाए जाए मैं भी फिर मिलते हैं, कोई नहीं कड्डो बरे गेड़ा। ठीक है ओके बरे, ओके ओके बरे। हुण आपां उत्ते चलदे आ, 5-7 मिनट लगणगे, उत्ते चलीए पहलां, फिर थले आके होर देखांगे। सनसैट बस होण वाला ही आ, लगभग 10 मिनट बाकी ने। जे बने हुए ने इन्हां बारे कितें कुछ लिखिया तो होया नहीं, शायद भाई रावण दे होण जां उदां ही डिजाइन बनाया होवे, हाथी जिहदे लगदे आ। 3 इधर बने हुए ने, 9 ने मतलब पंजा पूरा, उहदे 3 ही ने उंगलां, ते 3 ही इधरले पासे ने ये बनिया हुई ने। ये बाई हरी खिचा रहे ने फोटो, आपां पहलां पहलां लंघ चलीए। वैसे जिन्ने भीड़े भीड़े राह ना भाई, यही लगता भी रावण लंघदा किवें होगा, सब तो वड्डी गल तां इही आ। मख्याल बहुत लगी है, जो हेमकुंड साहब नूं जांदे ट्रैकिंग करदे सी ना उदों भी इदां ही सीगे, देखो ओह लगियां होईआं। जिवें जिवें उत्ते आ गए पौड़ियां बहुत रिस्की हो गईआं भाई, देखो किन्नियां भीड़ियां भीड़ियां। आ गए टॉप ते, इत्थे लिखा है नो ड्रोन जोन, सो इत्थे ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता भाई। वो देखो हवाई जहाज उड्डा चलिया, देख रहे होना थानू किवें धुआं छड़दा जांदा। उत्ते आ गए तो मैनू वह भी थोड़ा जिहा नीवा लगन लग गया, हुण पता नहीं किन्ना कुत्ते आए होंगे, पर लेकिन खासा ही उत्ते आ गए। सारे जंगल जुंगल देखो किवें नीवें नीवें दिख रहे, ऐं कह लो भी पहाड़ की चोटी आए। देख लो वैसे तो नो ड्रोन जोन आए, तो वो सामने किसी ने तां ड्रोन डा भी रख्या, जिन्हें भी डाया कानून की सख्त उलंघना की है जां फिर परमिशन लई होगी। क्या व्यू है, तो आ बाई ने भी ला रखे इधर टाइम स्लेप ला रखे होना। हवा बहुत तेज़ चल रही है भाई, सनसैट ऑलमोस्ट हो चलिया, तो सारे बैठे वेट कर रहे सनसैट का ही भाई, नज़र टकई बैठा, कोई कैमरा लाई बैठा, कोई कुछ करी बैठा, सेम अपने वांगू। सनसैट लग बहुत सोहना रहा, उत्तों वो जो जहाज़ लंघ जाना होर बहुत 4 चन्न ला गया जाता।
देखदे देखदे धौन जी सिट गया तो डुब गया सूरज तो टाइम जल्द बनाने की कोशिश की पर यार हवा इन्नी ज़्यादा तेज़ आ बई जेकर थोड़ा जहा भी भार घटा ना मेरे वागू तो उड के तुम वह परले पासे जा सकते हो सो ता करके कैमरा हिलदा रहा पर थोड़ा बहुत थोड़ा दिखाने की कोशिश जरूर की है। सो हम चलो दूजे पासे चलते हैं तो पूरा उत्तों देखते हैं फोर्ट तो फिर थले चलेंगे आप। सो यह है बई रावण की सोने की लंका। सो कोई कहता भी राजा कश्यप इतने रहा कोई कहता भी पहला रावण रहा फिर राजा कश्यप रहा रावण भी इदा ही तड़के इधरों सनराइज देख लैंदा होना इधर सूरज डुबदा देख लैंदा होना आई काम करता होना उन्होंने टाइमों के इंटरनेट भी नहीं होंदा सीगा करदा पता नहीं की सीगा पर उदा कहते भगत बंदा सीगा भगती बहुत करता सीगा। इधर पिछे अंकल बीड़ी पी जाता वो अड रावण की फीलिंग ले जाता कहना भी लंका जाके कहना मैं ही रावण वो दुनिया लगभग बनती है वो मैं थोनों दसता हिस्टरी तो बी 500-700-800 साल की होंगी है ना वो कि कुछ चेंज कर देंगे यदा फिर 5-6-7 हज़ार साल पुरानिया गल् दसते हैं। सो कि कुछ चेंज हो गया होगा ये बारे कुछ नहीं कह सकते। इधरले पासे आ ये कहें भी वाटर टैंक से जोड़े बनाए हुए थे इन दे विच दी कहिंदे पानी थले जांदा सीगा ते ओह एयर कंडीशनर दा काम करदा सीगा कमरे नूं ठंडा रखदा सीगा इदां दा कोई सीन सीगा देखो बने हुए ना स्विमिंग पूल टाइप दे इदां ए वाटर टैंक जे सीगे। इज दिस वे आउट वैसे इस जगह नूं लॉयन रॉक कहा जांदा है इत्थों दे लोकल लॉयन रॉक कहिंदे ने इहनूं या फिर इहनूं रावणास पैलेस कहिंदे ने। हाँ उदां दा इह कोई महल नहीं हैगा जिवें अज तों कोई हज़ार साल पुराने वाले महल तुसीं मेरीयां बहुत सारीयां वीडियोज़ देखे होणगे होर वीडियो भी तुम देखे हो जिमें नॉर्मल महल बने होंगे कमरे बने होंगे उदा का इतने कुछ नहीं है जो भी ये बनया हुआ कमरे वगैरह तो ऑबवियस जी गल हो सारे दे सारे बई इस चट्टान ही बने हुए थे। मनिया जाता है कि रावण के जोड़े पिता से विशरा विश्वता जो भी सो उन्होंने एक दानव तो कह के बनवाया उस दानव ने बनाया सी कुछ मिथ्स कहदियां ने कि इनू राजा कश्यप ने बनाया सी सो उ है बई। हाँ पर हाँ कुछ ज़्यादातर लोग जोड़े मानते हैं वो कहें भी रावण इतने रहा रावण के प्यो ने उन्होंने बनवाया रावण इतने रहा सीता माता किडनैप करके रावण पहला इतने लैके आया सी, सीता माता ने वधिया नहीं लग्या उन्होंने कहा मैं नहीं इतने रहना उदा रावण जोड़ा बंदा बहुत वधिया बई रावण की इको एक गलती सी उन्हें बहुत भगती की शिव की सोने माता सीता की कहते गल मन के उन्होंने अशोक वाटिका रख्या जिथे हनुमान जी ने माता सीता लभ्या सो वो जगह तो फिर किसी वीडियो आप देखा उस तो बाद कहते राजा कश्यप भी इतने रहा फिर उस तो बाद कई मनना कि कोई होर राजे भी इतने रेंदे रहे हैं बस इदा ही है बई। सो यह है मेनली तौर पर जिन्हों आप जानते हैं रावण के महल के नाँ तो यह थले जो बनया हुआ ये भी हूँ कोई स्विमिंग पूल कह लो की है इतने कुछ मतलब इदा इन बारे लिखा नहीं होया जे लिखा भी हो तो यार वो भी एक तरह की मिथ्स होगी वह परले कंडे पर भला कुछ लिखा हो ना सो एक इदा पानी इकट्ठा करन की कोई जगह है ना उत्ते जिहड़े बने हुए कहिंदे वाटर टैंक सीगे वो थले है पानी शायद ऐ होगा वो वाटर टैंकां दा पानी शायद ये आउंदा होवे ते जदों उत्तों दी छत दे नेड़े दी लंघदा होगा तो हवा विच पैंदी होगी तो वह जिहड़ी हवा ठंडी होकर जाती होगी कमरियां दे विच ते एयर कंडीशनर दा जिहड़ा कम करदी सी उदों मैनूं क्या कहिंदा बई 6:30 बंद हो जांदा 4 मिंट रह गए 6:30 होण च ते मैं 4 मिंटां च वापस भी जाना इत्थों दी सारा जिहड़ा सिगरिया टाउन दिखूगा। सिगरिया बेसिकली एक पिंड है पर हाँ इस लंका करके जिहड़ा रावण दे महल करके काफ़ी फेमस हो गया ता करके इत्थे जड़े ना बहुत सारे होटल होस्टल बन गए ने छोटे छोटे वो देखो वो सामने मार्केट जी है मैं लगता इतों आके तो बिल्कुल ही किनारा बई बहुत ज़्यादा तेज़ हवा उड के बंदा पर भी जा सकता बिल्कुल किनारे ते खड़ा मैं देखो इदू अगे सीधा थले ही है कम यार इतों इदा लगता मैं उतों जी आया देखो उतों जी कितों आया तो उदों लगता पता नहीं मैं किन्ना ही तुर के आ गया क्योंकि यार जी चढ़ाई बाली ज़्यादा चली आप वापस वो बाई भी उत्थे खड़ा डीक रहा उन्होंने कह के आया कि मैं आ गया बई 2-4 मिनटां च मिनट मैं ज़्यादा लाते उतों हूँ किसी नूं भी आन नहीं दे रहा बई सारा खाली हो गया बई जिहड़ा भरिया सी ना सारे सनसैट वेख के तुरदे लगे बई चढ़ना तो ठीक सी उतरना बहुत औखा काम आ बई इत्थे ते राह दे विच बांदर भी ने ते देखो जमा ही खड़वियां पौड़ियां ने आ तो चलो फिर दूजियां ने थले तो पौड़ियां भी बई लोहे वालियां ने बई बहुत सारे बांदर आ इदा पौड़ियां ते बैठे रहिंदे आ तंग नहीं वैसे बेचारे किसी नूं भी करदे पर हाँ वही आ नेरे होण तों बाद तुहानूं अजीब लगेगा थोड़ा जिहा और पौड़ियां आ बई आ जिहड़ियां लोहे वालियां ने इह तिलकदियां भी बहुत आ बई जिहड़ा थले चलिया ना इह सारिआं नूं थले लाह के लिआ फिर हुण आप चलिया बई भाई बहुत रिस्की आदा वह पौड़ियाँ तो आना कि रात में एक दिखता भी तो नहीं ना नेरा काफ़ी हो गया देख कुछ नहीं रहा सीगा। चलो फिलहाल आप हाफ च तो थले आ गए हैं
आ गए एक ऑटो दे विच मैं बाई नूं कहा 300 च बाई कहिंदा मैं छड्ड दूं उत्थे पर मैं कहा यार बाई ऐ कर तूं भी पहला कैफे लै चल किते कुछ खा लईए एनी रेस्टोरेंट और कैफे ओके वेजिटेरियन अंडरस्टैंड ओके या ये टुमारो मॉर्निंग यार कोई टुमारो मॉर्निंग मे बी वी गो बैक टू द दांबुला दांबुला या दांबुला टू कैंडी या माय द टुक टुक कैंडी ओके टुक टुक कैंडी नो नो या इट्स टू फार आवन दा महल घूम के आ गए हैं ते इत्थे मैं एक रेस्टोरेंट आ गया इन्हां को वेजिटेरियन ऑप्शन हैगी हैं शायद ऑटो वाला भाई कहता मैं 300 मैं भाई तेनों 500 दूंगा तू रेस्टोरेंट से रोक असं खावे उन्ना चेर तू मैं गेड़ा भी लाया आपका कोई तो तू आ जा 20-25 मिनट तक अद्धे घंटे तक की कर दें वीडियो थोड़ा वधिया लगेगी जेकर वधिया लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो और जेकर तुम मैंने इंस्टाग्राम से फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम से फॉलो कर सकते हो थले मेरी आईडी लिखी आ रही होगी ऑफिशियल नवदीप बराड़ चंगा जी सत श्री अकाल रब रखा मिलते हैं अगली वीडियो के।